सर, कल 3:20 पे मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया जिसको मैं उठा नहीं पाया किसी कारण, क्योंकि मैं दूसरे फ़ोन पे बिज़ी था। और तभी उसके 2-3 मिनट के बाद मुझे पता चला कि मेरे तीसरे फ्लोर पे हमारे दो और ऑफिसेस हैं, 302 और 303, जिसके अंदर कुछ लोग आए हैं जिनको मुझसे मिलना है। तो जनरली जो भी लोग मुझसे मिलने आते हैं वो एक अपॉइंटमेंट के साथ आते हैं, समय लेके आते हैं कि हमें मिलना है। तो मैंने पूछा कौन है, जो हमारा प्रोसीजर है। तो उन्होंने बताया कि ये लोग हैं, नाम नहीं बता रहे हैं और ऐसा है वैसा है। और फिर बाद में पूछा तो एक नाम बताया उन्होंने। मैंने कहा ऐसे किसी आदमी को मैं जानता नहीं हूँ। तो बोलते नहीं, पूछ रहे हैं कहाँ है वो, थोड़ा सा टेढ़ा लैंग्वेज बात कर रहे हैं, ऐसे हमसे कोई बात करता नहीं है। तो ऐसे करके बात हुआ। और उसके बाद तब तक ये सब हो रहा था, मैंने उस नंबर पर फ़ोन कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला था फ़ोन क्यों नहीं उठाया। तो मैंने कहा सर बताइए। तो बोले तेरे को फ़ोन करते उठाने का नहीं, ये सब बात किया उन्होंने। एंड देन कि कहाँ हो आप? मैंने कहा मैं बाहर हूँ, मैं आता हूँ आपके पास। उन्होंने बोला प्रकाश सुरवे साहब के ऑफिस आना है, चलो अभी। मैंने कहा सर अभी तो नहीं, मैं सैटरडे को टाइम दो आप, मैं आता हूँ। तो बोले 12 बजे आ जाओ। मैं बोला ठीक है। ये बात करके मैं रखा हूँ 3:30, 3:35 फ़ोन, एग्जैक्ट 3 से 4 मिनट के बाद इस मैं यहाँ बैठा हुआ था। लंच का टाइम हो रहा था, तो लंच के लिए मैं यहाँ बैठा हुआ था। और तकरीबन 3 से 4 लोग घुसे और सडनली उन्होंने मुझे देखा, बोला राजकुमार, फ़ोन पर किसी को बोला हाँ इकड़े यहीं पर है, जो मराठी में। और सडनली 18 से 20 लोग इस कैबिन में यहाँ पे और बाहर आ गए। मेरे को कॉलर से यहाँ से घसीटते हुए वहाँ पे मुझे मारा, जो भी इंसिडेंट हुआ। और मारते हुए घसीटते हुए मुझे वहाँ लिफ्ट तक ले गए, और लिफ्ट से नीचे, और नीचे उनकी गाड़ी बाहर खड़ी थी। दो गाड़ियाँ थी, एक फॉर्चुनर थी और एक हुंडई की कोई कार है, वो गाड़ी थी। तो फॉर्चुनर में वो लोग चले गए और मुझे हुंडई में कुछ लोगों के साथ बिठाया गया पीछे। और वहाँ से मुझे दहिसर ईस्ट प्रकाश सुरवे जी के ऑफिस ले जाया गया। वहाँ मेरी मुलाकात सुरवे जी के जो पुत्र हैं राज सुरवे जी, उनसे हुई। और वो जितने लोग हमारे यहाँ आए थे, जितने गुंडे बोलिए या कुछ भी बोलिए, वो लोग उतने ही लोग वहाँ ऑलरेडी और जमा थे, तो काफ़ी लोग थे वहाँ पे। मुझे वहाँ बिठाया गया और बोला कि ये तो हम एक कंपनी है जिसके साथ बिज़नेस करते हैं, जिसके साथ हमारा एक बिज़नेस ट्रांजेक्शन है। हमने तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए दिए हैं उनको डिजिटल लाइसेंस के अगेंस्ट में। और वहाँ ले जाके उसने वहाँ पे, वो पटना से है, आदि शक्ति फिल्म प्राइवेट लिमिटेड उस कंपनी का नाम है, उसके ओनर का नाम मनोज मिश्रा है। तो वो क्या है, वो काफ़ी पॉलिटिकली कनेक्टेड आदमी है व्हेन इट कम्स टू पटना। तो उन्होंने पटना से और स्टेटों के, यूपी और बिहार के स्टेट के थ्रू यहाँ पे वो पॉलिटिकल कनेक्ट लगा के कि हमारा चैनल छुड़वा दीजिए, हमारे पैसे तो नहीं है, क्योंकि पैसे वो मिसयूज़ कर चुके थे सारे। तो ये रिक्वेस्ट यहाँ सुरवे साहब के ऑफिस में आई होगी, जो मुझे समझ आया। और वहाँ से उन्होंने ये कार्रवाई की। वहाँ जब मुझे ये सब काम होते होते कुछ 40-50 मिनट हुए, और उसके बाद सडनली मेरे फ़ोन पे कंट्रोल रूम से फ़ोन आने लग गया कि आप कहाँ हैं। लेकिन मुझे मेरा फ़ोन छीन लिया गया, मेरी बात नहीं हो पाई। और तब सुरवे जी को फ़ोन गया, या सुरवे जी के ऑफिस में गया, उनसे बात हुई। तो उन्होंने पूछा कि आपने किसी को लिया है साथ में या उठाया है? तो उन्होंने मना किया, शायद जो भी, बिकॉज ही वॉज टॉकिंग इन मराठी, तो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। और मेरे को इमिडिएटली वहाँ से एक दूसरी जगह पे शिफ्ट किया गया, इसको यहाँ से लेके जाओ। और पुलिस वालों को तो मेरा फ़ोन मुझे अब वापस दे दिया गया तकरीबन 40 मिनट बाद। और उसके बाद वो लोग मुझे वहाँ ले गए, और वहाँ जितने भी लोगों के फ़ोन आ रहे थे हमको, उनके फ़ोन वही उन्हीं के लोग उठा रहे थे और स्पीकर पे रख के मुझसे बात करने को बोल रहे थे, म्यूट करके आप बात कीजिए, ये बोलिए। जैसे पुलिस में जो कांस्टेबल थे या जो इंस्पेक्टर साहब थे, वो मुझे बोल रहे थे आप ठीक हैं? तो मैं बोले हाँ मैं ठीक हूँ, आप लोकेशन बताइए। मैंने वो एक सीक्वेंस है पूरा। तो ये बात हुई उनसे, तो उनको बताया मैंने, पूरा एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने बोला कि आप लोकेशन क्यों नहीं बता रहे? मैंने कहा मुझे खुद नहीं मालूम मैं कहाँ पे हूँ। तो बोले हम सुरवे साहब के ऑफिस आ रहे हैं। तो बोल मैंने बोला आ जाइए। लेकिन मैं सुरवे साहब के ऑफिस से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका था। वहाँ से फिर मैं ये सब होते होते फिर मेरे को 100 रुपये का स्टैम्प पेपर दिया गया, जिस पर मेरी ही हैंड राइटिंग में मुझे लिखवाया गया कि आपने जो पैसे दिए हैं, जो अग्रीमेंट किया है उस आदि शक्ति फिल्म के साथ, जिसमें उन्होंने मेरे पर बहुत सारी पिस्टल और जो भी उनका औजार थे, जो भी चीज़ें, वो सबका दबाव देखे, प्रेशर देखे, बल समझ, मतलब वो लोगों का,
और मुझसे वो पेपर पे पूरा लिखवाया क्या कि जो भी अग्रीमेंट हमारा उनके साथ हुआ है 2021 और 2022 में, जिसके तहत हमने उनको 8.5 करोड़ रुपये दिए थे, वो आज से अमान्य है, रद्द किया जाता है और अब कोई लेन देन नहीं होगा। और उस पर मेरे सिग्नेचर 2 पेजेस हैं, दोनों पे साइन ले लिए गए और डेट और उसको सब डाल के ले लिया गया। और फिर तब तक पुलिस का कंटिन्यूसली फ़ोन आने लग गया 2-3 जगह से, और भी मेरे जो दोस्त लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली, सब लोगों ने इधर उधर फाइंड आउट करना शुरू किया। तब तक प्रेशर बन चुका था, उन लोगों ने मुझे वहाँ से 3री जगह शिफ्ट किया, एक छोटी सी ऑफिस है वहाँ से, फिर मेरा फोन छीन लिया मेरे से, इसको बात मत करने दो। और वहाँ जब ये पूरा इंसिडेंट डॉक्यूमेंट हो गया, ये हो गया, तो फिर वहाँ से मुझे उस 3री जगह से ऑटो में बिठा के दो लोग सुरवे जी का जो मेन ऑफिस है जहाँ पे मुझे फर्स्ट टाइम ले गए थे वहाँ ला के ड्रॉप किया। वहाँ पे मुझे सुरवे जी के ऑफिस ले जा रहे थे अंदर, बाहरी पुलिस वाले मिल गए मुझे। तो जब जो इंस्पेक्टर साहब मुझसे फ़ोन पे बात कर रहे थे वो मिल गए मुझे वहाँ पे, क्योंकि मुझे बाई फेस तो पहचानते नहीं थे। तो मेरी टीम थी वहाँ पे, ऑफिस के बच्चे पहुँच गए थे, तो उन्होंने बताया ये है राजकुमार। तो उन्होंने मुझे लिखा कि एकदम फटाफट प्रॉपर रेस्क्यू किया और गाड़ी में बिठा दिया, और वहाँ से मैं हम लोग गोरेगांव पुलिस स्टेशन आ गए थे। बाकी आने के बाद प्रॉपर FIR और जो